हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो सुबह के 7:45 बज रहे हैं, हालांकि हम लोग जब गए थे सुबह ही, मतलब 7 बजे लगभग। और बाबू को मैंने दूध पिलाया है, और मतलब कि मोबाइल जो है कि दूर था, इस वजह से हमने कोई रिकॉर्डिंग नहीं करी। तो हम अभी जा रहे हैं चाय बनाने, और चाय बना करके पी लेंगे, उसके बाद ही बर्तन को साफ करेंगे, क्योंकि जो है कि कोई जल्दीबाजी तो है नहीं काम करने की, क्योंकि बाबू के पापा हैं ही नहीं, मतलब करीब 6-7 दिन से ही बाहर में ही हैं। और तो इस वजह से कुछ ऐसा नहीं हो रहा है घर में, कि मतलब एक होता है ना कि कोई ऑनर रहता है तो उनके लिए जल्दी खाना बना दो, उनके लिए सब कुछ जल्दी जल्दी करो, तो ये है कि वो है नहीं। तो थोड़ा सा फ्री माइंड आदमी रह करके काम करता, फ्री माइंड क्या है, आदमी को कभी फ्री माइंड नहीं रहता है, टेंशन में रहता ही है, हर एक चीज़ का टेंशन रहता है, बहुत जिम्मेदारियाँ होती है यंग व्यक्ति, मतलब यंग लोगों के लिए, जैसे माता पिता जो होते हैं उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं जो घर के ऑनर होते हैं। तो अभी मैं चल रही हूँ चाय बनाने। बाबू गुड मॉर्निंग बोल दो। गुड मॉर्निंग बोलो। बाबू को लेकर के अपने सोए हुए हैं, और फिर चलते हैं, देखते हैं, वीडियो में बने रहें आप लोग। दोस्तों, सुबह सुबह आज मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मेरे ट्राईपॉड का ये जो नट है यहाँ का, देखिए एकदम, मतलब ये ढीला, इसका पेच ही गिरा दिया पता नहीं कहाँ पे। हम क्या बताएं, इसमें खोजना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा यार, मेरा दिमाग एकदम ख़राब हो जाता है। हम इतना कब से ढूंढ रहे हैं, सोचे हैं कि चाय बनाएं, ले जा कर के ट्राईपॉड, अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है इसको बनाए तो बनाए कैसे बनाए। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, नट मिल गया है, ये देख लीजिए, मतलब यहाँ पे है। और मतलब इतना मैं टेंशन में हो गई थी, मतलब इतना भी नहीं, जैसे आदमी ये होता नहीं है कि कोई चीज़ अगर सामान गड़बड़ा जाता है तो दिमाग एकदम अपसेट हो जाता है। तो फाइनली मतलब मिल गया है, और मैं जा रही हूँ लगाने, आप लोग के सामने ही लगाऊंगी, देख लीजिए आप लोग। पूरा झाड़ू मतलब अंदर से लगाए हूँ, एकदम पूरा इतना उधीन पुधीन दी हूँ, तब जा कर के मिला है, मिल गया है। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, क्या बोलते हैं पता नहीं। तो ये हो गया, देख लीजिए आप लोग। अब जो है कि ये बहुत दिमाग एकदम खराब हो जाता है, ये हो गया, मैंने लगा दिया। ठीक है दोस्तों, अब मैं जा रही हूँ चाय बनाने, मिल गया है तो मैंने लगा दिया। लगाने
तो मैंने नहा लिया है दोस्तों। ये क्या हो गया, बिंदी मतलब इधर उधर लग गया था, कहाँ लगाऊँ। तो दोस्तों मैंने पूजा कर लिया है, मैं आ गई हूँ अपने किचन में, जा रही हूँ चाय बनाने। तो चाय बनाऊँगी तो मैं आप लोग को दिखाऊँगी कि चाय मैं कैसे बनाती हूँ। तो इसको छोटा करना पड़ेगा। तो मैं इसी में चाय बनाऊँगी दोस्तों। इसको कूट लिया है मैं, डाल देती हूँ। तेल भर गया है, अंदाज नहीं मिला है क्योंकि बड़ा वाला बर्तन में बनाई ना, इस वजह से अंदाज नहीं मिला है, तो भर गया है। और अकेले जो है तो मैं जा रही हूँ पीने दोस्तों। तो दोस्तों अब गर्मी का मौसम आ गया है तो कोई वो नहीं है कि नीचे बैठो और चारपाई पे बैठो, तो हम लोग मतलब नीचे ही बैठ करके चाय पी रहे हैं। मेरा बाबू खेल रहा है और जो है कि देख लीजिए चाय आप लोग, और मैं पीऊँगी। उसके बाद जो है कि बाबू को अभी नहीं नहलाए हैं क्योंकि अभी जो है थोड़ा मौसम अच्छा नहीं है, इस वजह से मतलब फिर भी ठंडा है, मौसम अभी ठंडा है तो थोड़ा सा धूप आ जाएगा घर में तब मैं नहलाऊंगी इनको, थोड़ा पानी जो है गर्म करें। कहाँ बाबू है, तो चाय पी के मिलते हैं। तो दोस्तों मैं चाय पी ली हूँ और मैंने चेंज भी कर लिया है और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। मैंने दाल को चढ़ा दिया है और दाल चढ़ाने के बाद जो है कि दोस्तों मैं सारा काम तो हो ही गया है, कुछ वो नहीं, बस बाबू को नहलाना है। तो अभी थोड़ा सा धूप वहाँ पे आ जाएगा तो मैं नहला दूँगी। अभी मैं दाल बना रही हूँ, दाल बनाने के बाद मैं चावल बनाऊँगी, चावल बनाने के बाद मैं सब्ज़ी बनाऊँगी, सब्ज़ी में क्या बनेगा, आलू का भुजिया बनाऊँगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि बिना सब्ज़ी का तो खवाता नहीं है, तो आदमी करेगा क्या। और ये खिलवाड़ कर रहा है, रोता बहुत ज़्यादा, नाराज होता है। नाराज होके दिखाओ, अभी दिखाए हो ना, गुड मॉर्निंग बोलो। तो ये मैंने आलू काट लिया है एकदम पतला पतला।
तो दोस्तों मेरा मतलब भुजिया बन के रेडी हो गया है और मैंने कैसे बनाया है आप लोगों ने देख लिया है। और मैं चावल जो है कि मैं चढ़ा दी हूँ यहाँ पर, और सीटी लग जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो मेरा खाना हो जाएगा रेडी। और उसके बाद जो है कि मैं अभी कपड़ा धुलना है मुझे, तो कपड़ा मैं जा रही हूँ धुलने, दिखा देती हूँ आप लोग को। तो चावल भी बन गया है मेरा और सीटी लग गया है, मैं उसको बंद कर दूंगी। अभी अभी जा रही हूँ बाबू को नहलाने। रोने लगे हैं, लग गया है चोट। तो हम जा रहे हैं खाना खाने दोस्तों, और जो है खाना खा करके मिलते हैं, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। बाबू को चोट भी लग गया है, इतना परेशान कर रहा था, रो रहा है। चुप करा दीजिए आप लोग। लो मोबाइल ला दिन है मिकी, ला दिन मिकी देखी गई भाई। तो मैंने कपड़ा डाल दिया, अब जो है कि मैं जा रही हूँ। बाबू को खाना भी मैंने खिला दिया, मैं भी खा ली हूँ थोड़ा बहुत खाना, मतलब अच्छा लगा है, ठीक था भोजन। ये मेरा बेटा पैर कैसे बैठे, तुम भी जाओ तुम भी जाओ यहाँ से जाओ। मोबाइल दोनों को भी वहाँ छोड़ते हैं। ओ देखो रोड हो गया, वाव ये देखो आप सीएनजी आएगा, अच्छा वाव आएगा। क्या बटकते हैं, कुछ है या फिर नहीं, हमें ट्रेन को खिलाना है, ठीक है। वाव ये क्या, ओ तो उसको चलो निकालते हैं यहाँ से। और तो दोस्तों फाइनली मेरा काम हो गया है, और बर्तन धुलना है तो बर्तन शाम को धुला जाएगा, और मॉर्निंग रूटीन बस इतना ही रखूँगी। और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और मैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा दूसरा ब्लॉग है, मतलब कि ये जो ब्लॉग है मेरा दूसरा है, सेकेंड मतलब।
फर्स्ट ब्लॉग मैंने कल ही डाल दिया था, अपलोड कर दिया है, और ये मेरा दूसरा ब्लॉग है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आप लोग को तुरंत मिल जाए। तो बाय बाय, मैं मिलती हूँ अब शाम को नेक्स्ट वीडियो में, इवनिंग रूटीन में। बाय बाय। तो अभी थोड़ा बहुत देखते हैं कि बर्तन वगैरह खाली करके रखूँगी, जो भी है वीडियो को एडिटिंग करूँगी और बहुत सारा काम है। तो बाय बाय।